फ्रेंड मैं हूं अमजद और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्निकल। 10 वीडियो बनाने के बाद मैं बीच में रोक दिया था, मैं पर्सनल काम में थोड़ा बिजी था इसीलिए वीडियो रोक दिया था। तो फिर से मैं वीडियो बनाना चालू किया हूं। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना पाता हूं इसीलिए कि मेरे सब्सक्राइबर कम है। जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर 10,000 हो जाएंगे उस दिन मैं लंबा वीडियो बनाना शुरू करूँगा, क्या कि यूट्यूब का ये रूल्स है। तो मैं वीडियो अभी छोटा ही बनाता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि डीजी सेट ट्रांसफार्मर बस बार चेंज ओवर MCCB MCB स्टार्टर से मोटर तक कैसे कनेक्शन किया जाता है, उसका सर्किट कैसे बनाया जाता है मैं फुल बताऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा भी कि एक मोबाइल ऐप से आप ड्राइंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले लेक डायग्राम उसको ओपन करता हूँ। पहले तो मैं ड्राइंग बना के रखा हूँ, पहले आप ड्राइंग देख ले। तो बस बार पे क्लिक किया, ये है ड्राइंग, ये चेंज ओवर 1 है। ऊपर देख रहे हैं 3 फेज सप्लाई डीजी सेट 1 है और नीचे है 3 फेज सप्लाई डीजी सेट 2, ऊपर है 3 फेज इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, नीचे है डीजी सेट सप्लाई 1 एंड 2, ये चेंज ओवर 2 है, ये MCCB है। ये MCCB का मतलब हुआ मोल्डेड कोड सर्किट ब्रेकर और ये पास बार है, ठीक है। ये MCB है मॉनिटर सर्किट ब्रेकर, ये DOL स्टार्टर है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और ये मोटर है, ठीक है। तो इसको मैं इस ऐप से बनाया हूँ। तो मैं सर्किट को समझाता हूँ। ये है 3 फेज चेंज ओवर, ऊपर डीजी सेट 1 डीजी सेट नीचे 2 है, ठीक है। जब हैंडल को ऊपर करते हैं तो डीजी सेट 1 का सप्लाई आपका चेंज ओवर 2 के नीचे में आता है, ठीक है। अगर मैं नीचे करता हूँ डीजी सेट 1 का हैंडल तो डीजी सेट 2 का सप्लाई 20 से होकर डीजी सेट 1 एंड 2 में आता है, मतलब नीचे में आता है और ऊपर मेरा इलेक्ट्रिक सप्लाई है। तो मान लीजिए डीजी सेट 1 को मैं स्टार्ट किया और हैंडल ऊपर किया तो बीच से सप्लाई आपका नीचे आ जाता है, और अगर मैं चेंज ओवर 2 का हैंडल नीचे करता हूँ तो नीचे का जो सप्लाई है वो MCCB में जाता है और MCCB से होकर आपका बस बार में आता है, बस बार से MCB, MCB से DOL स्टार्टर और मोटर में जाता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे डीजी सेट 1 उसका सप्लाई है, अब डीजी सेट 2 का सप्लाई देना पड़ेगा। तो डीजी सेट 2 को स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद हैंडल को नीचे करें, डीजी सेट 1 को बंद करें, यह सप्लाई आपका नीचे आ जाता है और यह हैंडल तो नीचे ही है तो यह सप्लाई MCCB से होकर आपका बस बार MCCB में चला जाता है मोटर तक। अब जैसे पावर आ गया है तो डीजी सेट पावर आ गया है तो चेंज ओवर 2 का हैंडल ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने से आपका मेन ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई है वो मिडिल से होकर MCCB में जाता है, MCCB से होकर आपका
बस बार में, बस बार से होकर आपका एम सी बी में, एम सी बी से होकर डी एल डी ओ वाली स्टार्टर्स में और उसके बाद मोटर में। तो ये जब पावर सप्लाई चला जाता है तो डिजिट वन और टू में कोई पावर नहीं जाता, क्योंकि हैंडल ऊपर करने से आपका ऊपर का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ऊपर से बीच से होकर आपको एम सी सी बी में जाता है और आप डिजिट टू या वन को चालू करते हैं तो यहाँ दोनों का सप्लाई नीचे में आता है। चाहे वन आप स्टार्ट करें तो वन स्टार्ट करने से, हैंडल ऊपर करने से आपका नीचे सप्लाई आएगा जो कि डी सेट टू डिसकनेक्ट रहेगा, और डी सेट टू का सप्लाई देना चाहते हैं तो हैंडल नीचे करना पड़ेगा जो कि डी सेट वन का सप्लाई बंद हो जाएगा, बीच से कनेक्ट छोड़ देता है। ठीक है, तो ये मैं ड्राइंग कैसे किया हूँ इस हिसाब से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इससे पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इस हिसाब से ड्राइंग कैसे किया जाता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मैं चेंज ओवर बनाया तो नॉर्मली आप अपना अंगुली से इसको कीजिए, ये ऑटोमेटिकली अपना शेप में आ जाता है। उसके बाद बड़ा पॉइंट लेने के लिए आपको स्क्वायर घुमाना है, इसको छोटा करना है, आप जितना छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को ब्लैक करता हूँ। इसको कॉपी करने के लिए डिलीट के बगल में आप डॉट का स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करें, ये कॉपी हो जाता है। ठीक है, अभी कॉपी करें, कॉपी करें, इसको भी कॉपी करें, इस तरह मैंने चेंज ओवर बनाया। ठीक है, अब जैसे हरवाई भी दिए हैं तो एक लाइन खींचे इसको। ठीक है, हम इसका कलर चेंज करें। ओके, ठीक है, अब इस रेड को कॉपी करें इसको दें, अब इसको वाई करना है, क्लिक करें थ्री डॉट पर और ये इसको कॉपी करना है। ठीक है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, बहुत ही सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। ये थ्री पीस। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि बस बार को कैसे बनाएं, तो बस बार में मोटी लाइन है। ठीक है, तो मैंने एक लाइन खींचा, लाइन खींचने के बाद आप थ्री डॉट पर क्लिक करें, उसमें रेड लें और इसका थिकनेस बढ़ाएं। ठीक है, तो 2.0 था, इसको मैं 15 कर दिया। ओके, सॉरी, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। अब इसको कलर में लाते हैं। ठीक है, ओके किए और फिर थ्री डॉट पर क्लिक किए, ये 2.0 है, इसको काटते हैं। ठीक है, इसके बाद 15 करते हैं। ओके किए, ये देखिए, ये थिकनेस आ गया है, बिल्कुल इसी तरह से मैंने किया हूँ, तो आप भी इसको कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक,
अब ये टैग्स मैंने कैसे लिखा, जैसे चेंज ओवर वन है तो इसको मैंने कैसे लिखा। तो आप इस स्क्रीन को डबल क्लिक करें, ये एडिट टैग्स है इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप लिखिए चेंज ओवर, ओके ये चेंज ओवर, ये छोटा है इसको आप बड़ा कर सकते हैं। तो ऊपर टी का निशान है, उस टी का निशान को क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इस 15 को 22 कर दें, ये और बढ़ा दें, ठीक है इतना बड़ा कीजिएगा, ये नॉर्मल है, इसको सेव में लाइए। अब ये सेट में है, ठीक है देखिए, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ, अब इस पिक्चर को सेव करना है। तो सेव कैसे करें, तो ऊपर जो थ्री डॉट है सबसे ऊपर कोना में उसको क्लिक करना है, ये सेव टू गैलरी का ऑप्शन आता है उसको क्लिक करें, ये सेव हो चुका है। चलिए मैं गैलरी में दिखाता हूँ, ये है ड्रॉइंग, इस तरह आप ड्राइंग कर सकते हैं। और ये ड्राइंग बिल्कुल ही सही है, आप इसे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी ड्राइंग करता हूँ बढ़िया से ड्राइंग करने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ पूरा फुल ड्राइंग को, यह है पूरा ड्राइंग, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही, ये मैं ड्राइंग लास्ट में आपको दिखा दिया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इस ड्राइंग को देख सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, यह आपका बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्त, थैंक यू।